कितना सही है। क्या बोलिए कुछ के बोला तू पे सरकारी सुपर कर पहले मुई कोरोना फैला दा मैं खुद ओमनी क्रोन हूं। बार बार दिन ये आए हर महीने बाद 200 के आए। अरे हो गया ना मसाज मिल रही है लड़कियों से इसको और क्या चाहिए। दस चीजें बोल के ना फिर एक का जवाब देना अपनी मर्जी के ये वो दीपक लाल की तरह लगा मेरे को पूछी को लो पूछी। गुड मॉर्निंग बकलूल जनता, वेलकम बैक टू द बकलूल टीवी व्लॉग। सो आज के दिन की शुरुआत हो रही है कड़कड़ाती ठंड के साथ, या पता नहीं मुझे ही ऐसा फील हो रहा है, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। जब से ये लोहड़ी आई और मकर संक्रांति में ना ज्यादा ठंड मुझे फील हो रही है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि सुबह सवेरे नहाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन दिल पे पत्थर रखकर और मतलब जो भी है लेकिन नहा रहे हम और काम पे भी जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हैं हम चंद्रभागा के बाहर एंड वहाँ पे थोड़ा सा काम है वो मुकाएंगे और उसके बाद चलेंगे और करेंगे आज के दिन की शुरुआत। तो गाइस चंद्रभागा में थे हम और एक बार फिर से चाय पीने का मन किया तो हमने सोचा कि उन्हें खुद ही बना ले। लेकिन आज जय भी हमारे साथ। जय भैया क्या हाल चाल? बढ़िया। तो देखो फ्राइंग पैन चढ़ा दिया, पानी हमने डाल दिया हुआ और अभी इसको 180 डिग्री पे उबालेंगे, ना कम ना ज्यादा, 180 डिग्री रखना तभी सही चाय बनेगी, है ना जय भैया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मुबारके इस बात की, 1 मिलियन एक दिन में वीडियो व्यूज, वो भी ओरिजिनल। ये सब सब टीम को क्रेडिट जाता है, बिल्कुल टीम को और बकलोल जनता को। यस बिल्कुल। वक्त हो चुका है 2:30 और लंच का वक्त है, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना टाइम पे लंच किया जाए, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो अभी हम आए छन्नी हिम्मत अपने फेवरेट 39 बेकर्स। वेव मॉल, क्योंकि आज है फ्राइडे यानी कि मूवी रिलीजिंग डे और हर फ्राइडे को हम यहाँ पर मूवी रिव्यू लेते हैं और 3:45 हो चुके हैं। सुप्रीतिका जी पहले से हमारा ऊपर इंतजार करती है, कर रही हैं वेव सिनेमास के बाहर और मैं और हिमांशु भाई जा रहे हैं। तो अभी ऑडी 2 के बाहर हम खड़े हैं, शूटर मूवी है जिसका आज हमने रिव्यू भी करना है या जनता से पूछेंगे जो भी पूछेंगे, क्योंकि मैं नहीं पूछूंगा, पूछेंगी सुप्रीतिका। इतनी मुस्कुराहट क्यों है चेहरे पे, क्या सोच कैसे रहे हो, किसका किसका चेहरा याद कर रहे हो? जब कुछ बोलने को नहीं ना मिले तो मुस्कुराओ। मुस्कुराओ, क्या बात है। सो ये रजत पहुंच चुका है। रजत मास्क प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कोविड के? बिल्कुल पूरे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं, नीचे से ऊपर तक सर्टिफिकेट दिखा के अंदर आने दिया उन्होंने। ये कहीं देखा था मैंने इसको, कौन है ये? पल्लवी। कहां लास्ट टाइम मिले थे हम? रॉकी की बर्थडे पार्टी में। रॉकी। तो अभी हम धूप सेकने के लिए यहां पे रुके हैं। पल्लवी जी बोलिए कुछ के बोला तू पे सरकारी सुपर कर पहले मुई कोरोना फैला दा मैं खुद ओमनी क्रोन हूं। जैसे मैं रजत के साथ एंटर हुई ना वेव मॉल, उधर पता क्या मेरे को छींक आने लगी। मैंने सोचा अब अगर मैं यार यहां पे छींक मारती हूं तो मेरे को इधर जाने नहीं देंगे। छींक रोकती है ये, छींक रोकती है। एक तो ये भी सही है ना, मतलब बंदे को नॉर्मल छींक आ रही हो मतलब डेली वाली तो उसमें भी डरेगा। हमें लड़कों को छींक आती है ना, हम ऐसे अच्छी इसको ऐसे थोड़ी कुछ भी क्या होता है? कुछ बोलो मतलब होता है कुछ भी, लाइक खाने के लिए, मतलब समथिंग टू ईट। तो खाने के लिए तो सूंघने का थोड़ी कुछ रखा है। देखो ये इतने अच्छे लोग है ना, इनको खाने के लिए पूछो बोल रहे कुछ भी। और जब हमारे जब हमारे जैसा होता ना कोई ले आओ।
को पता है मैं नान नहीं खाती। ये कुछ भी क्या होता है फिर? यार तो कुछ भी क्या क्यों का मैं बताती हूं लड़का नान नहीं खाता यार उसका ये उसका बोल बोल के स्कीम बता दे सबको 10 बार पूछो कुछ भी मैं पलवी ये आता 10 चीजें बोल के ना फिर उन्हें एक का जवाब देना अपनी मर्जी के कख में लगी आए दिखिया ये देखो बोला ठीक है हां वेरी गुड एक चम्मच देगा भी ठीक है के एक चम्मच देगा भी ये लेना ना तो पेट पूजा हो गई है और अब काम दूजा करने निकलेंगे हम कौन सा काम दूजा भाई मास्क सारे लगा के रखो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करो ये वो दीपक लाल की तरह लगा मेरे को पूछी को लो पूछी के एस डिजाइन स्टूडियो भी यहाँ पर है भैया क्या हाल चाल कैसे हो बढ़िया कैसी चल रही जिंदगी फर्स्ट क्लास खुल जा तो वे मॉल से निकलने के बाद अभी हम जा रहे हैं हेयर मास्टर्स लग्जरी सैलून नहीं कोई मतलब हेयर कट नहीं लेना हमने कुछ और है जो हमने यहाँ पर जाके करना है हम इनवाइट किया आज ये यहाँ पे करवाएंगे पीले कलर अपने बालों के पीले नहीं रे मिलेंटा मजेंटा ये कराएंगे बेबी पिंक कलर अपने बालों का हाँ और आप ना तो शरीफ आदमी ना ये पता कौन सा करें ये कराएंगे भगवा कलर क्योंकि मास्क भी हुई है यस हेलो अतुल जी क्या हाल चाल बढ़िया आप दोनों किसने बुलाया हम आ गए अपनी मर्जी से सर्विसेज लेने आए हैं लो जाओ लेते हैं ए क्या तुतुल पुतुल क्या तुतुल पुतुल और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100K फॉलोवर्स ऑन फेसबुक थैंक यू सो मच बगलोल जनता थैंक यू सो मच शिवानी जी बार बार दिन ये आए हर महीने बाद 200K आए और क्या चाहिए जिंदगी में बंधन के साथ हम ये जला रहे तो ये आपका और बगलोल जनता और हमारा बंधन ऐसे ही बना रहना चाहिए थैंक यू सो मच बगलोल जनता थैंक यू हेयर मास्टर्स थैंक यू हेयर मास्टर्स ओ ओ तंदूरी ठीक है वाओ वाओ बस पता नहीं नहीं अरे हो गया ना मसाज मिल रही है लड़कियों से इसको और क्या चाहिए हेयर मास्टर में स्पेशल केक मसाज फेस वॉश भी करवाएंगे टेंशन भी लो तो फाइनली आज सौरभ को भी मौका मिल चुका है हेयर मास्टर में अपनी सर्विसेज लेने का ये देखो लेकिन एक बात है ना भले केक लगा चेहरे पे तब भी क्यूट लग रहा हूं यार ये गलत फहमी है बेटा अरे सही फहमी आओ भाई करो इसका भी कल्याण बना दो इसको कल्याण हूं ऑलरेडी बना दो इसको पहाड़ों की हूर एक मिनट चाहिए बस ऐसे रहना हो चुका है मेरा चेहरा भी धुल चुका है जो कि शिवानी जी ने भरा था कहां गई वो यहां पे सॉरी मैंने देखा नहीं बट थैंक यू सो मच 100 के सेलिब्रेशन हमारे साथ करने के लिए हमें इनवाइट करने के लिए शिवानी जी एंड अतुल जी हेयर मास्टर्स से तो यहां से सुप्रीतिका और पल्लवी जी जा रही हैं स्कूटी पे बाय टेक केयर चेहरा दिखाओ इधर क्या नाराज की है हमसे हां बढ़िया चलिए बाय जब तेरे को पता था देखो तुम्हारे गोड्डे स्लो हो जाए मेरे को कोई टेंशन नहीं है मगर स्कूटी को स्क्रैच नहीं आना चाहिए स्कूटी के लक में थोड़ी भी स्क्रैच आया ये पता कैसे चलाती है ये कैसे चलाती है तो लगाम ही लगाती ये तो देखो ट्रैफिक वाले अगर देख रहे हैं इसको पकड़ना रास्ते में हेलमेट नहीं लगाती हेलमेट लगा के जाना दोनों ठीक है हमें कच्ची छावनी में और यहाँ पर रजत भाई ने स्पेशली हमें लेके आए हैं कहते किसी से मिलवाना है किससे मिलवाना है रजत भाई लाला से ये कब हुआ इस बात की तो हमें कोई पता ही नहीं कब हुआ ये अरे हुआ क्या हुआ क्या बोलते हैं कौन लाला लाला कौन यार पेट क्लिनिक में है पेट क्लिनिक कुत्ता अच्छा कुत्ता अच्छा उसका नाम रखा है हाँ जी भाई बिल्कुल बकलोल टीवी वाले भैया कैसे हो बस बढ़िया देखते हो बकलोल टीवी हाँ भाई देखते लगता है बहुत अच्छा लगता है चलो थैंक यू सो मच ये मेरे को एक गल सुनी बकलोल टीवी का था बकलोल नहीं है बकलोल टीवी है आधे बंदे बोलते बकलोल टीवी बकलोल नहीं है बकलोल है रजत भाई क्या हुआ यार तू हर बात ये ऑन क्यों रखता है हुआ क्या कहाँ से टिक रही है नींद लग रही है नींद को अभी भगाएंगे आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड अभी चाय मंगाई है हमने अभी हम देसी घी का देसी खाना में कच्ची छावनी और चाय मंगाई और साथ में मंगाया स्पेशल कलाड़ी फुल्का वो भी खाएंगे कितना सही है
बगलोल टीवी के फॉलोअर्स मिले भैया, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे सही चीज क्या लगती है आपकी? जो आप बात करते हो, जो हंसाते हो, वो सबसे बढ़िया है। थैंक यू भैया, ऐसे सपोर्ट करते रहो। मतलब आप सबकी बदौलत हमारे आज ही 1,00,000 सब्सक्राइबर जो है, सॉरी सब्सक्राइबर नहीं, फॉलोअर्स फेसबुक पर कंप्लीट हुआ है। तो थैंक यू सो मच। इसी की देसी खाना में यार, कलाड़ी फुल्का आप भी आके खाओ, ट्राई करो, इतना मजा आता है ना कच्ची छावनी में। तो आज का दिन बहुत खुशनुमा था। खुशनुमा हमारा दिन हर रोज होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपसे हमें ढेर सारा प्यार मिलता है। इसकी बदौलत हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट है, और अगर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसकी वजह से शायद से आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। सो इट्स गिव एंड टेक, है ना, ऐसा ही चलता है जिंदगी का, दुनिया का दस्तूरी वही है। सो फिलहाल वक्त हो चुका है, रात के 8 बजने वाले हैं, और अब हम जाएंगे अपने घर। मैं और रजत भाई जाएंगे स्कूटी पे ठिठुरते हुए, ठंड बहुत ज़्यादा है यार, लेकिन स्टिल घर तो जाना ही है। और हिमांशु भाई भी जाएंगे यहाँ से घर, और करेंगे आज के दिन का अंत, और मिलते हैं कल सवेरे। सवेरे सवेरे मिलेंगे कल हम 8 बजे, और क्यों मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में देखना। चलो बाय, शब बखर, शुभ रात्रि।